हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। कहते हैं ना, बच्चों में भगवान बसते हैं। जो बच्चे कहते हैं वो दिल से कहते हैं, दिमाग से नहीं कहते। एक 11 साल का बच्चा सोनू कुमार नालंदा जिला के हरियोद प्रखंड गांव नीमाकोल गांव का निवासी है, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इसका परिवार की बात कही जाए तो इतने गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसके पापा जो कमाते हैं ना वो दारू ताड़ी पी के खर्च कर देते हैं। और इनका कहना है कि 11 साल का बच्चा कक्षा छठवीं में पढ़ता है, छठवीं क्लास में पढ़ता है और पाँचवीं क्लास तक कोचिंग कराता है, ट्यूशन कराता है। सोच सकते हो, बड़ी मेहनत करता है लड़का। इतना मेहनत करने वाला लड़का अब आज इतना परेशान है, उसकी दावा ये कर रहा है, वो मुख्यमंत्री से जाके गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की व्यवस्था दी जाए। और साथ ही साथ ये भी दावा कर रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइमरी के विद्यालय हैं, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी के पुण्यतिथि पर पहुंचकर लोगों से मिलकर जन संवाद कर रहे थे। उसी समय सोनू कुमार पहुंच गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, अपनी आप ऊपर की बीती उन्हें सुनाई। और उसके सुनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक आदमी से, अपने असिस्टेंट, अपने पास के रहने वाले किसी से कहा कि इनका एडमिशन करा दीजिए। उन्होंने कहा हम करा देंगे एडमिशन। उसके बाद सोनू कुमार वापस घर आ चुके और साथ ही साथ आज सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ हर कोई जाके उनके पास वीडियो बना रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसकी वजह से हम अपने स्टूडियो से उनके वीडियो को दिखा पा रहे हैं। अगर ये भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सर।